हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यummytreatswithamrin। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। मटन कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बोनलेस मटन, आप चाहे तो मटन विद बोन भी ले सकते हैं, फाइनली स्लाइस्ड ऑनियंस, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, फाइनली क्रश्ड काजू, फाइनली क्रश्ड बादाम, होल ग्रीन चिलीज, हाफ लेमन, पुदीने के पत्ते यानी कि मिंट लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप्ड, केसर ले लेंगे हम। यहाँ कुछ ड्राई मसाले हैं, इलायची, दालचीनी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दही ले लेंगे हम, दही को अच्छे से बीट कर लेंगे, और नमक स्वाद अनुसार। एक पैन में हम अब तेल गरम करेंगे और तेल के गरम होते ही हम उसमें हमारे ऑनियंस ऐड कर लेंगे। हमें ऑनियंस को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये देखिए हमारा ऑनियंस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको हम थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसका एक कोर्स पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी क्रश कर सकते हैं, मैं इसे हाथों से क्रश करूँगी। अब दही में हम हमारा जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, फाइनली क्रश्ड बादाम, फाइनली क्रश्ड काजू, और हमारे कुछ ड्राई मसाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और नमक ऐड करेंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। एक कुकर में हम ऑयल गरम करेंगे और उसमें हमारा ग्रीन इलायची और दालचीनी ऐड कर लेंगे। इन दोनों को हम 2 से 3 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हमारा मटन ऐड कर लेंगे हम। मटन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा मटन अब अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हमारा दही का मिक्सचर ऐड कर लेंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दही को हमें तब तक भूनना है जब तक इसको तेल ना छूटे। ये देखिए तेल छूटने लगा है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसको ढक के 2 से 4 मिनट आने तक पका लेंगे। ये देखिए तेल अच्छे से छूट गया है, इसको एक मिक्स दे देंगे हम। अब इसमें हमारा क्रश्ड ऑनियन ऐड कर लेंगे, ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज को मैंने बीच में से तोड़ के ऐड किया है, आप चाहे तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा केसर ऐड कर लेंगे, केसर चुटकी पर मैंने ऐड किया है। और हमारे पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर लेंगे, पुदीने के पत्ते को भी मैंने हाथों से तोड़ के ऐड किए। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पका लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी अब ऑलमोस्ट रेडी है, इसकी ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई है। अब इसमें हम हमारा लेमन जूस ऐड कर लेंगे और हमारे फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छा मिक्स दे देंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि इस पर तेल ना छूटे। ये देखिए तेल अच्छे से छूट गया इसमें। हमारा मटन कोरमा रेडी है, आप इसे गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।